गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी योर पैमेला। सो आज मुझे कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा, वो भी फिश। तो जल्दी से कैसे फटाफट मैं फिश बनाती हूँ, पॉम्पलेट फिश बनाऊंगी आज, वो मैं दिखाऊंगी। सो उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के वाइट पॉम्पलेट। सो उसको मैंने ऐसे कट किया क्योंकि इसके अंदर मसाला जाना चाहिए। एंड देन जो भी मेरा घर पे था उसी से बनाऊंगी। ये है कोरिएंडर, गार्लिक, मिर्ची, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर। यहाँ पे जो रेड चिलीज है ये कश्मीरी रेड चिलीज है, ये कलर के लिए है, और ये टर्मरिक, और गार्निशिंग के लिए चेरी टमाटर, और थोड़ा सा अजवाइन, पिंक सॉल्ट, ऑलिव ऑयल। सो गाइस, मेन है इसका मैरिनेट करना। फ्राई करना तो बहुत आसान है, तो फटाफट घर पे कोई गेस्ट आ गया है और आपको बनाना है तो आपको पहले ये कोरिएंडर डाल दिया, ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग योर टेस्ट, कितना आप तीखा खाना पसंद करते हो, एंड गार्लिक, इसके साथ थोड़ा सा वाटर मिक्स करूंगी। और इसको पेस्ट बनाऊंगी। सो गाइस, अभी ये पेस्ट बनाने के लिए मुझे किचन में जाना पड़ेगा, तो पेस्ट बनाते हैं। सो अभी हम इसको पेस्ट बनाएंगे। सो गाइस, पेस्ट ज्यादा पतला भी नहीं होगा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसे ही होगा। और उसके बाद मैं डालूंगी ये हॉट रेड चिलीज है, क्योंकि मैं बहुत तीखा बनाती हूँ, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स पाउडर, टर्मरिक, और ये है कश्मीरी, थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी रेड चिलीज, एंड थोड़ा सा अजवाइन। आपको लगे तो बाद में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, ये पहले नहीं समझ में आता है। सॉल्ट भी डालना है, तो ये देखिए मसाला का कलर चेंज हो चुका है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए और डालना चाहिए, इसे तीखा नहीं होगा और इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। तो अब मैं इस फिश को मैरिनेट करूंगी। सो गाइस, ऐसे मैरिनेट करेंगे, बिल्कुल भी इसमें हाथ मत लगाना, के अंदर चला जाएगा। मैंने कट भी ऐसा कर दिया था। क्योंकि इसमें हरी मिर्च है, सो हरी मिर्च से हाथ जल जाएगी, इसे मैंने कट अच्छे से कर दिया इसमें। फ्राई करने के पहले जो फ्रेश फ्रेगनेंस आ रहा है इसमें से, क्या बताऊँ गाइस, इसमें धनिया का खुशबू आ रही है, फिर हरी मिर्च और बहुत सारे स्पाइसेस का। और ये जो स्पाइसेस, ये हमेशा हमारे घर पे रहता है, तो कोई भी आ जाता है घर पे तो ये फटाफट मैरिनेट वाला मतलब फिश आप बना सकते हो। तो इसको हम आधे घंटे के लिए रखते हैं। सो गाइस, 30 मिनट्स हो चुका है और मसाला अच्छे से फिश के अंदर जा चुका है। सो अभी फ्राई करेंगे। गाइस, इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और जो लोग कोकोनट ऑयल खाते हो वो भी खा सकते हो, और सोयाबीन ऑयल भी।
आपको ही ऑयल चलेगा। सो गाइस, मैं बंगाली हूँ और मुझे हमेशा से फिश बहुत पसंद है। डाइट करती हूँ और ये एक्चुअली जब भी मुझे मन करता है कि कुछ चटपटा खाओ और ज़्यादा बाहर का मसाला भी नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने अपने दिमाग से एक दिन निकाली कि किस तरीके से डाइट भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये आप खाओगे तो टेस्टी भी लगेगा और इसमें कोई फैट भी नहीं है। तो एक रेडी हो चुका है क्योंकि ये छोटा सा फ्राई पैन है, इसमें दो फिश नहीं गया तो इसलिए दो बार फ्राई करना पड़ा, पर पहले वाला से बेटर ये वाला हो रहा है एक्चुअली। तो गरम गरम फिश फ्राई रेडी बिना टूटे। सो गाइस, जो लोग जानना चाहते थे कि मेरा क्या क्या फेवरेट फूड है तो सब मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो जब भी मुझे मन करता है कुछ चटपटा खाने का मैं ये बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। सो गाइस, आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।